Hello? Hello? बोलो ना, आ रही हूँ, रास्ते में हूँ. हेलो. हाँ, मैं पहुँच गई हूँ. तुम कहाँ पर हो? चार फोन कॉल्स और मर्डर. अरे भैया, ये जनक एंटरप्राइजेस कहाँ है? आपकी दुकान का लैंडमार्क है. हाँ, यही इंटरव्यू के लिए आए हो? हाँ, जाओ देखो, उधर बेंच पड़ी है, बैठो, हम आते हैं. ये बहुत चौंकाने वाली बात है. एक फोन कैसे किसी की जान ले सकता है? ये इन्वेस्टर ना मेरे लिए बहुत बड़ा सरदर्द है यार. आज के टाइम पे फोन कौन यूज नहीं करता? उसे हर बात मेल पे करनी होती है. अगर अपनी बुटीक के लिए मुझे उससे पैसे नहीं लेने होते ना, तो मैं उसका टेंट्रम झेलती भी नहीं. यहाँ पे बहुत बोर हो रहा है, चलो ना घर. बेटा, मम्मा को मीटिंग करनी है ना, मीटिंग के बाद घर चलेंगे. नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक आप. क्या बात है लीना जी, आप तो टाइम से पहले आ गई. क्यों मजाक कर रहे हैं, आप लेट आए हैं. लेकिन मैंने दूसरा मेल भी किया था, उसमें 3:30 बजे का टाइम लिखा था. I'm sorry, मैंने चेक ही नहीं किया. अच्छा, एक बात पूछूं? हाँ? आप फोन क्यों नहीं यूज करते हो? एक्चुअल क्या है कि मेरा राहु भारी है और मेरे एस्ट्रोलॉजर का कहना है कि फोन को टच करना मेरे लिए हार्मफुल है. आप एस्ट्रोलॉजी पर इतना बिलीव करते हो? एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता हूँ, तभी मैं अपने एस्ट्रोलॉजर की बात मानकर ही आपके बुटीक में इन्वेस्ट कर रहा हूँ. और मेरे एस्ट्रोलॉजर का कहना है कि हमें बुटीक का नाम चेंज करना होगा. एक्चुअली आशी मेरी बेटी का नाम है, तो उसी के नाम पे मैंने इस बुटीक का नाम सोचा था. अगर आपको मंजूर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मेरा पैसा मुझे वापस कर दीजिए बस. अच्छा, आप सुनिए. देखिए लीना जी, हमारी डील यहीं पर खत्म. अच्छा ठीक है. अब आपके हस्बैंड का बिजनेस भी काफी अच्छा है, फंडिंग तो वो भी कर सकता है, तो आप ऐसे बाहर इन्वेस्टर्स क्यों ढूंढ रही है? दीदी, ये आइडिया तो मुझे भी आ सकता है ना, कि मैं अपने हस्बैंड से पैसे ले लूं, पर मुझे उनसे पैसे नहीं लेने, क्योंकि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है. Oh my God. दीदी ध्यान से ना, उसके पैर पे कांच लग जाए. ये सब किसने किया है? लीना, तुम्हारा ना अकेलापन देखकर कोई भी फादर उठा लेता है, तुमको प्रोटेक्शन की जरूरत है. क्या मतलब? देखो लीना, मेरे पापा ना मुझे दुकान में बिठाना चाहते हैं और मैं करना चाहता हूँ बिजनेस, तुम मुझे अपना पार्टनर बना लो. अच्छा. हाँ, प्रोटेक्ट भी करूंगा. मेरे घर की तोड़फोड़ करके अब तू मसीहा बनने चला है? देखिए, एक पुलिस कंप्लेन करूंगी ना, सारी सिक्योरिटी धरी की धरी रह जाएगी तेरी, समझा? चल गया से. क्या कर रहा? तुझे पता है ना, इसकी तो जुबान और दिमाग दोनों खराब. अरे क्यों पंगा लेती है इससे? दिमाग खराब है इसका, दिमाग खराब है. देखो मेरे घर की क्या हालत कर दी है इसने. देव, ये सब तूने किया? अरे मैंने थोड़ी किया ये, और तुम मुझे मत 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 बोलो. तूने मेरी इंसल्ट की है ना, अब तू देख सिन्नी से बोल हाल करूंगा तेरा मैं. धमकी दे रहा है? हाँ, धमकी दे रहा हूँ. देखो, और कह रहे दिमाग से पैदल आइए. देख लीना, उसकी तरफ से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ. अगर तू उसकी कंप्लेन कर देगी तो उसकी लाइफ खराब हो जाएगी. प्लीज, आगे से कुछ नहीं होगा ऐसा. आशी बेटा, बहुत हो गया गेम नाउ, इट्स टाइम टू स्लीप. चलो मामा प्लीज, सुबह स्कूल भी जाना है ना. लेट्स गो, लेट्स गो, चलो. गुड नाइट. गुड नाइट. अब फुर्सत मिली है तुम्हें? हाँ, मैं थोड़ा बिजी था. और ये मैं क्या सुन रहा हूँ, घर पर किसी ने तोड़फोड़ की है? तुम्हें किसने बताया?
पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि ये बात तुमने मुझे बताई क्यों नहीं। मैंने सेटल कर लिया हरीश, अब सब ठीक है। क्या सेटल कर लिया, पुलिस को कंप्लेन किया या नहीं? पुलिस में कंप्लेन करने की क्या जरूरत है, फालतू में मैटर बढ़ जाएगा। और वैसे भी कुछ दिनों के बाद तो हम तुम्हारे साथ ही शिफ्ट होने वाले हैं, बस एक बार नोएडा वाला बुटीक ओपन हो जाए। और हाँ यार, तुम लोग जल्दी आ जाओ, तुम्हारे हाथ के खाने को बहुत मिस कर रहा हूँ मैं। अच्छा, सिर्फ खाना मिस करते हो? नहीं नहीं, तुम दोनों को भी बहुत मिस करता हूँ। अच्छा एक सेकंड लीना, एक फोन आ रहा है, ठीक है मैं करता हूँ तुम्हें फोन। बाय। हेलो। हाय सिम्मी। सॉरी रॉन्ग नंबर। भाव मत खा सिम्मी। भाव बता अपना। दिमाग खराब है तेरा, बोला ना रॉन्ग नंबर। इडियट। क्या हुआ? आई डोंट नो। हेलो। हेलो रेखा, मिल रही हो ना आज रात को? क्या? मेरी जान, होटल ब्लू स्टार में रूम बुक कर दिया मैंने। तूने फिर से कॉल किया? बोला ना जहां है वहीं आके मारूंगी, समझा? आइंदा फोन मत करियो मुझे। क्या हुआ मैम, कौन परेशान कर रहा है? आई डोंट नो, अननोन नंबर से कॉल्स आ रहे और कुछ भी बकवास कर रहे हैं। अगेन अननोन नंबर। हेलो। हेलो हरीश सर, मैं निधि बोल रही हूँ। लीना मैम आपके साथ है क्या? कैसी बात कर रही हो तुम, लीना मेरे साथ कैसे होगी? मैं तो नोएडा में हूँ। एक्चुअली सर, कल रात को लीना मैम आशी को लेकर मेरे घर आई थी एंड लीना मैम आप यहाँ? मुझे ना एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना है, तो थोड़ी देर के लिए तुम आशी का ध्यान रख सकती हो? हेलो सागर भाई, आपके घर का डोरबेल खराब है क्या? कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा है। आप मेरे घर के बाहर हैं क्या? अरे भाई आपने ही तो बुलाया था घर देखने के लिए। आप वहीं रुकिए, मैं आता हूं। सॉरी कमलेश जी, वो वेट करना पड़ा, मैं बुलाता हूँ। अरे आप घर पे हैं? मुझे लगा कोई नहीं है। अब मालती, ये कमलेश जी हैं ब्रोकर, घर बेचने की बात इनसे ही चल रही है। नमस्ते, आइए मैं घर। हाँ मालती, चाय बना लो, आई। अरे चाय अभी नहीं पीएंगे, रहने दीजिए। तो सागर भाई क्या डिमांड है, कुछ सोचा है आपने? मार्केट के हिसाब से 50 लाख तो होना ही चाहिए। सागर भाई वो बात नहीं रही, मार्केट में बहुत डाउन है, 50 लाख कोई नहीं देगा आपके घर का। बहुत ट्राई करूंगा 35 लाख तक, आप बताइए। मगर अगर पार्टी लाया तो थोड़ा कम कर लेंगे ना? हाँ आप पार्टी लाइए, देखते हैं कुछ। हाँ सोचिएगा। ठीक है भाभी जी, फिर कभी चाय पीने आएंगे। हाँ चलिए, देखिए आप। हाँ हाँ एक प्लीज। सुनिए, घर बेचे बिना कुछ हो नहीं सकता क्या? नहीं मालती, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। पीयूष के इलाज में कम से कम 20 लाख रुपए तो लगना ही है, घर बेचना पड़ेगा। मुझे ये ब्रोकर ठीक नहीं लग रहा। क्यों, क्या हुआ? ये वही है जो मार्केट में मुझे घूरता रहता है, इसे दरवाजे पर देख के मैं बहुत घबरा गई थी। तो आप लोगों को कोई अंदाजा नहीं कि लीना कल रात से कहाँ है? नहीं सर, उन्होंने बस कहा था कि उनकी कोई अर्जेंट मीटिंग है। मुझे ना एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना है, तो थोड़ी देर के लिए तुम आशी का ध्यान रख सकती हो? हरीश, तुम्हारी आखिरी बार लीना से कब बात हुई थी? कल शाम को। लीना मुझे थोड़ी टेंशन में लग रही थी सर। लीना मैंने आशी के लिए स्कूल भी फाइनल कर लिया नोएडा में, अब तुम लोग फटाफट आ जाओ।
अरे मैंने इतनी अच्छी खबर इतना एक्साइटेड होकर के सुनाया, मुझे लगा तुम भी एक्साइटेड होगी, लेकिन तुम तो सिर्फ क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा तो कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, मेडिसिन ले लो और आराम करो, हम लोग बाद में बात करते हैं, ओके? अगर अक्षय ने आशीष को नहीं मारा है तो फिर कौन हो सकता है? ये जीतन का है सर, कल आ रहा है। सर डीएनए रिपोर्ट आ गई है, वो बॉडी आशीष की है और मैंने उसका बैकग्राउंड भी चेक किया, उसे शराब पीने की लत थी, इसके अलावा सब कुछ नॉर्मल है। कदम ये जीतन के घर के बाहर नजर रखने के लिए कांबड़े को भेजो, जैसे ही वो घर पे पहुंचेगा उसको सीधा पुलिस स्टेशन लेके आओ। ओके सर। आशीष की वाइफ सिमरन, उसका क्या हुआ? सर उसकी सीडीआर चेक की, एक नंबर मिला है जिससे वो लगातार बात करती है, इंक्वायरी की तो पता चला कि उसकी बहन रश्मिका भल्ला का है। नॉर्मल बात है सर, लेकिन हर दिन घंटों घंटों बातें करना और एक ही दिन में दो तीन बार बात करना, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता है? रश्मिका और सिमरन दोनों के सीडीआर और लोकेशंस निकलवाओ। सर और इसके पास और एक जली हुई बॉडी मिली है। बगा सर। सर सर बॉडी को पेट्रोल से जलाया गया है और बॉडी की कंडीशन देख के लगता है कि लगभग 12 घंटे पहले मौत हुई है। सर गाड़ी मध्ये काहीच सापडलं नाही, ये गाड़ी अक्षय संपत के नाम पे है। परिवार वालों को बुला लो। हमें बॉडी पर से ये वॉलेट कपड़े और ये घड़ी मिली है। बहुत कोसते थे सर ये लोग हमें, उनकी नौकरी क्या चली गई, हमारी हालत तो भिखारी जैसे हो गई थी, इसीलिए अक्षय ने इनसे हिस्से की बात की थी। सर मैं अपने फैमिली को टूटने नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने उसे हिस्सा देने से मना कर दिया था। सर ऐसा कौन सा बाप है जो अपने बेटे की बुरी आदतों की वजह से उसे ना डांटे? 2 साल हो गए सर और जॉब ना मिले, कैसे हो सकता है सर? मेरा बेटा कामचोर हो गया था, इसलिए मैं उसे सही रास्ता दिखाना चाहता था। घर तुम्हारी इनकम से चल रहा था तो घर में भी तुम्हारी चलती होगी। बिल्कुल नहीं सर, भाई था वो मेरा, और सर कभी कभी समझाने के लिए सख्त रवैया अपनाना पड़ता है, और वैसे हम लोग सब प्यार से ही समझा रहे थे उसको सर। पहले आशीष और अक्षय, दो दोस्तों की मौत हुई है, ये इत्तेफाक है या सोची समझी साजिश? दोनों मर्डर्स के बीच में कोई कनेक्शन नजर आ रहा है? नहीं सर। सिवाय इसके कि दोनों दोस्त थे और दोनों को मारने का तरीका सेम है। सर जीतन आ गया। क्या अक्षय नहीं रहा? उसका मर्डर हुआ है उसी तरह जैसे आशीष का हुआ। जब ये सब हुआ तुम कहाँ थे? सर डायमंड के बिजनेस में हाथ आजमाना चाहता था, सुरंग गया था अपने कजिन के पास, उसका डायमंड पॉलिशिंग का काम है। तुम्हारे अक्षय और आशीष के बीच में रिश्ते कैसे थे? तीनों गहरे दोस्त थे सर, एक दूसरे के बहुत करीब, लेकिन अब तो मैं अकेला। कदम। यस सर। तुम्हारे साथ क्या हुआ था, किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? अक्षय संपत ने किया।
अक्षय संपत्ति। मैम, मैम, मैं फंस चुकी हूँ, प्लीज मदद कीजिए। क्या यही है वो आदमी? सर, प्लीज आप बाहर जाइए। पंद्रह अक्टूबर की सुबह हमें अक्षय की बॉडी मिली और पोस्टमार्टम के हिसाब से अक्षय की मौत को 12 घंटे बीत चुके थे, यानी 14 अक्टूबर की रात को ही अक्षय की मौत हो गई थी। फिर वो 15 की सुबह प्रियंका का रेप कैसे कर सकता है? सर, लेकिन अक्षय की फोटो देख के भी प्रियंका ने कंफर्म किया है। लेकिन कदम ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद प्रियंका किसी के कहने पर अक्षय को फ्रेम कर रही। प्रियंका का बैकग्राउंड चेक करो। यस सर। सर, प्रियंका के घर की तलाशी ली, ना ही कोई बड़ा अमाउंट मिला है, ना ही कोई बड़ी ज्वेलरी। घर का बेसिक सामान है सर, और थोड़ा बहुत पैसा है। हाँ सर, प्रियंका ने यह फ्लैट रेंट पे लिया था, लेकिन डील के वक्त तो दो आदमी आए थे। कौन दो आदमी थे? सर, मैंने प्रियंका के बैंक डिटेल्स चेक किए। अक्षय संपत के साथ साथ एक और आदमी प्रियंका को मंथली अलाउंसेस दे रहा था। कौन? सर, ये सच है कि प्रियंका से रिलेशन बनाने के लिए मैं उसे पैसे देता था, पर इसमें गलत क्या है? ये मेरे और उसके बीच की सेटिंग थी। सही गलत के बारे में तो मैंने पूछा ही नहीं, मैंने सिर्फ इतना पूछा कि ये सच है या नहीं। आशीष का क्या? आशीष का इस मैटर से कोई लेना देना नहीं था। प्रियंका वाले मामले में मैं और अक्षय इन्वॉल्व थे। प्रियंका ने कहा कि 15 अक्टूबर की सुबह अक्षय ने उसका रेप किया, कैसे हो सकता है? क्योंकि अक्षय तो 14 अक्टूबर की रात को मर चुका था। उसके पूरे शरीर पे चाकू से वार किए गए और बाद में पेट्रोल डाल के उसे जला दिया गया, और वो बॉडी अक्षय की ही थी क्योंकि उसका डीएनए उसके फादर के साथ मैच हो गया। तो इस बारे में अगर तुम कुछ भी जानते हो, ये सही वक्त है, बता दो। सर, ये हो कैसे सकता है? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं समझाता हूँ। तुमने और प्रियंका ने मिलके अक्षय और आशीष को मारने का प्लान बनाया। तुम्हारा मोटिव क्या था? पैसा या कुछ और? सर, ये आप क्या कह रहे हैं? आप इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे। मेरा इन दोनों मर्डर से कोई वास्ता नहीं है सर। सर, आशीष, जितेन और अक्षय हैं, इन तीनों की दोस्ती के अलावा एक और कनेक्शन है इन तीनों से रिलेटेड। सर, 3 साल पहले इन तीनों को एक बड़े स्कैम के चक्कर में पकड़ा था, लेकिन सबूत ना होने की वजह से इन्हें छोड़ दिया गया। मैंने उस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नचिकेत परब को बुलाया। सर, खंडर में कपल ने सबसे पहले बॉडी को देखा था, उन्होंने इन्फॉर्म किया। आइए। एक गोली शोल्डर पे, एक गोली पेट में लगी है। कोई आईडी मिली? नो सर, लड़की के पास से ना तो कोई हैंडबैग मिला है, ना क्लच वगैरह जिससे कोई आईडी मिले, लेकिन शिंदे को फोटो भेज दी है। अगर लड़की के घर वालों ने कोई कंप्लेन लिखवाई होगी तो आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। सर, ये तो सर्विस गन है। सर्विस गन इसके पास आई कैसे? सूरज, कहीं ऐसा तो नहीं इस कहानी का कोई किरदार पुलिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता हो? सर, इसमें 9 राउंड्स होते हैं और इसमें 5 हैं, मतलब 4 फायर हो चुके हैं। 4 गोलियां चली हैं। सर, 3 गोलियां इसे लगी हैं, यानी कि 4 इसने चलाई, 7 राउंड फायर हुए हैं। सूरज, एक काम करो, आसपास का एरिया अच्छी तरह से सर्च कराओ, मुझे 7 एम्प्टी शेल्स चाहिए हो। सर, मैं पता लगा तो आसपास कोई कपल हो जिसने गोलियां चलने की आवाज़ सुनी और कुछ देखा हो। ये देखिए, ये सैंडल और ये ज्वेलरी जैसा कुछ मिला है, हो सकता है स्ट्रगल हुआ हो।
सूरज एक काम करो, आसपास के हॉस्पिटल अच्छी तरह से सर्च करो, पता करो क्या कोई पेशेंट एडमिट हुआ है जिसको बुलेट लगी हो। मंजू, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और मिसिंग कंप्लेंट से मैच करवाना शुरू कर दो। ओके सर। जय हिंद सर। सर, विक्टिम का पता चल गया, उसका नाम नंदिनी महात्रे था। और एक शॉकिंग न्यूज है सर, नंदिनी पुणे पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थी। और वो सर्विस रिवॉल्वर भी उसी के था, मैंने पुणे पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हमारे एरिया में? माजरा क्या है सूरज, पुणे से यहाँ नवी मुंबई आखिर वो करने क्या आई थी? संभालिए अपने आप को। सर कल सुबह हमने कुछ शॉपिंग की, परसों हमारी सगाई थी, नंदिनी ने कहा कि वो डिपार्टमेंट के काम से जा रही। बहुत अच्छी है। थैंक गॉड तुम्हें ये अंगूठी पसंद आई, नहीं तो मुझे तो लगा था कि आज भी नहीं। अब तुम इसे संभाल के रखना, मैं जल्दी लूंगी तुमसे। अच्छा मैं चलती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, तुम खुश हो ना? मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत। आप लोगों को किसी पे शक? ऐसा कौन कर सकता है मेरी बच्ची के साथ? वो तो सबकी मदद करती है, ऐसा नहीं हो सकता। खाना खाओ चुपचाप। अरे खाना लग गया, खाना लग गया और हमें किसी ने बुलाया भी नहीं। एक खाना पूरे परिवार के साथ बैठ के खाना चाहिए, तभी अच्छा लगता है। नहीं परिवार मतलब भी पता है आपको? तुझसे बेहतर पता है। और कैसा है वो मुकेश? उसी के साथ बैठी थी ना बाइक पे, पीछे से पकड़ के है? शर्म नहीं आई तुझे? उसने तेरी बहन के साथ धोखा किया और तू उसी के साथ? क्या बोल रहे थे बाबा? दीदी मैं आपको बताने ही वाली थी। देख साक्षी, मैं मुकेश को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो भले ही बुरा आदमी नहीं है लेकिन उसके ख्यालात ना बहुत अलग है। साक्षी कुछ रिश्ते ना जीवन में बंधन की तरह होते हैं, उनसे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वक्त रहते अगर समझ जाएगी ना तो शायद जिंदगी सुधर जाए। नंदिनी ने मयंक से कहा कि वो डिपार्टमेंट के किसी काम से जा रही है, शायद किसी सीक्रेट मिशन पे थी। सर नंदिनी ने अपने पुलिस स्टेशन में 3 दिन की छुट्टी के लिए अप्लाई किया था, अगर वो वाकई में किसी सीक्रेट मिशन पे थी तो मुश्किल है कि उसके स्टेशन में किसी कुछ पता हो उसके बारे में। कोई तो ऐसा होगा जिसे इस बारे में पता होगा। एक काम करो, उन सारे केसेस के बारे में पता करो जिन पे एएसआई नंदिनी काम कर रही थी। मैंने नंदिनी के पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दिया कि हम आ रहे हैं। ठीक है सर, बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई है। नंदिनी को जो गोली लगी थी वो उसकी खुद की गन से चलाई गई थी। मतलब नंदिनी की गन से ही उसको मारा गया? सर मैं सब इंस्पेक्टर विमल कुमार, नंदिनी सर मुझको रिपोर्ट करती थी और इस केस को सॉल्व करने के लिए सर मेरी पूरी टीम अवेलेबल है, आपको जो हेल्प चाहिए वो मिलेगी। सर हमने एक ऑनर पुलिस वाली को खोया है। नंदिनी की डेड बॉडी हमें नवी मुंबई में मिली, क्या वो किसी ऑपरेशन पे थी? क्योंकि उसके घर वालों को भी कुछ नहीं पता। ऐसा तो कोई केस नहीं था जिसको सॉल्व करने के लिए उसे अंडर कवर ऑपरेशन के लिए नवी मुंबई जाना पड़े। क्या नंदिनी किसी केस को डायरेक्ट हैंडल कर रही थी? सर मैंने उसके केस की सारी लिस्ट मंगाई है। सर ये पिछले 6 महीने के केसेस की फाइल्स है जिसमें नंदिनी मैम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे। अच्छा मैं इन सारी फाइल्स को चेक। आप लोग अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, क्या नंदिनी किसी करप्शन में इन्वॉल्व थी? नहीं सर, नंदिनी बहुत ही ऑनेस्ट और सर हार्डवर्किंग थी। बाहर क्या होता है सर उसके साथ वो हमें नहीं पता, परिवार को लेकर सर वो काफी दुखी थी। सर नंदिनी मैम शादी के लिए लड़के देख रही थी, लगभग 9 रिश्ते रिजेक्ट किए थे उन्होंने।
खाना अजीब नहीं लगता कि नम्रता के पति के बारे में किसी को नहीं पता, या तो कि तानिया को भी नहीं। सर अजीब तो है, लेकिन आजकल के जमाने में कौन मोबाइल नहीं रखता। मुझे लगता है ये नम्रता किसी चीज का हिस्सा रही हो, इसीलिए चुपके से जिंदगी जी रही थी। सर, नम्रता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसकी मौत रात को 9 से 10 बजे के बीच हुई है, और रीजन ऑफ डेथ है एक्सेसिव ब्लड लॉस ड्यू टू स्टैबिंग। लेकिन वो तो घर से 6 बजे बाहर गई थी। और सर लगता है कि मौत से पहले उसके फिजिकल रिलेशंस भी बने थे क्योंकि उसकी बॉडी पर सीमन के ट्रेसेस भी मिले हैं। इसका मतलब उसका अफेयर चल रहा था। एक काम करो, क्राइम सीन वाले एरिया में एक्टिवेट मोबाइल का डंप डाटा निकलवाओ और चेक करो उसमें से किसी का कनेक्शन नम्रता से निकलता है क्या। नमस्कार सर। सर मेरा नाम विनायक है, मैं वो नम्रता का मकान मालिक हूँ। पहचान दे इसको। नहीं सर। नम्रता के हस्बैंड के बारे में कुछ पता है? नहीं सर, मेरी उससे कोई मुलाकात नहीं। उसको घर तुमने रेंट से दिया था ना? हाँ सर, मगर मैंने मेरी जब घर किराए पे देना था तो उसकी ऐड ऑनलाइन पब्लिश किए थे। हाँ। तो वो ऐड देख के खुद ही मुझसे कॉन्टेक्ट किया। तो उसको पूछा ना उसके फैमिली के बारे में? तो कैसा लगा घर? खूब छान है, आवडलं मला। आप अकेली रहेंगे? नहीं नहीं, मैं और मेरी बेटी रहेंगे। अच्छा, और हस्बैंड? क्यों नहीं, आप शादीशुदा है ना? हाँ, लेकिन मेरे पति ना काम की वजह से बाहर रहते हैं, लेकिन आते जाते रहेंगे। उसने तो कहा था कि उसके पति आते जाते रहेंगे, मगर पिछले 6 महीने से एक भी बार नहीं आए। वो जॉब नहीं करती थी ना, रेंट कैसे देती थी? पता नहीं, शायद उसका हस्बैंड देता होगा। अरे हस्बैंड था या नहीं मालूम नहीं, उसका प्रूफ नहीं, वो हस्बैंड कैसे देगा फिर? नहीं साहब, कोई तो था। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कोई था? मैं कैसा, 3-4 दिन पहले मैं जब उसके घर में रेंट लेने के लिए गया था। ये लीजिए। थैंक यू। इस बार भी भाई साहब से मिलना नहीं हुआ? वो काम में थोड़ा बिजी रहते ना इसलिए। आई आ गई। आई तो बाबा से मिलने गई थी। जा तू अंदर जा, कपड़े बदल ले। सर वो माँ बेटी का रिएक्शन इतना अलग था कि मैं कंफ्यूज हो गया। फिर मैंने जाने का नाटक किया और उनके ऊपर नजर रखने के हिसाब से मैं फिर वापस आ गया। कितनी बार तुझे समझाया, बाहर वालों के सामने बाबा के बारे में बात नहीं करनी है। लेकिन आई तूने ही तो कहा था कि जब बाबा आएंगे तो उनसे मिल लेना। तानिया जिद क्यों कर रही है, तुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है? तानिया ने अटैक किया था? हाँ साहब। ये नम्रता जो रेंट देती थी वो कैसे देती थी, ऑनलाइन? नहीं साहब, वो कैश में देती थी। उसका बैंक अकाउंट नहीं था? नहीं साहब, वो सब मुझे मालूम नहीं, हमारा ट्रांजेक्शन तो कैश में चलता था। आई एम सॉरी, मैं फिर नहीं लड़ूंगी। आई मुझे बाबा नहीं चाहिए, मैं तुझसे कभी लड़ाई नहीं करूंगी। उसे यही बुलाया था ना? हाय। क्या बात है, आज जवानी का जोश इतना ठंडा लग रहा है, शक्ल पे 12 क्यों बज रहे हैं? मैं इनकी लॉयर हूँ, और आपको तो पता है ना, ब्लैकमेलिंग एक संगीन जुर्म है, इसके लिए आपको जेल हो सकती है। अगर आप लॉयर हैं तो आपको ये भी पता होगा कि रेप की क्या सजा होती है। रेप? कैसा रेप? हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ था वो म्यूचुअल कंसेंट से हुआ था, राइट? नहीं, पहले तुमने मुझे ड्रिंक कराया, उसके बाद नशे की हालत में मेरा रेप किया, यही केस बनेगा ना, अगर तुमने 2 करोड़ रुपए नहीं दिए तो। 2 करोड़? लेकिन हमारी तो 1 करोड़ की बात हुई थी ना। हाँ, लेकिन अब 2 करोड़, क्योंकि तुमने इन लोग को भी इन्वॉल्व कर लिया ना अपने साथ। हम लोग पुलिस में जाएंगे। ये धमकी ना किसी और को देना जाके, पर तुम लोगों को पुलिस में जाना होता ना तो यहाँ कैफे में नहीं बैठे होते। 2 दिन में 2 करोड़, वरना तीसरे दिन में ये वीडियो 9867415 पे भेज दूंगी तुम्हारी वाइफ नेहा के पास। मेरी वाइफ का नंबर तुम्हारे पास कैसे है? क्या फर्क पड़ता है, चलो मैं चलती हूँ। 2 दिन में 2 करोड़,
ठीक है, बाय। मुझे ऐसे लगता है आपको पुलिस में जाना चाहिए। अरे भाई साहब, ये तानिया कहाँ है? उसके घर पे लॉक है। मुझे नहीं पता मैम। सर, तानिया मेरे घर पे सो रही है। वो घर पे अकेली थी, उसका पैर गट गया, वो बहुत रो रही थी, इसलिए मैं उसे अपने घर पे लेके आई। मेरे पापा पर का पूछे नहीं पता है। लेकिन बेटा ऐसे कैसे तुम्हें नहीं पता? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरे पापा है। मेरी आई मुझे उनसे कभी मिलने नहीं देते थे। क्यों? नहीं पता, पापा पुराने वाले घर में आते थे, इसलिए काई ने अपना घर बदल लिया। एक बात बताओ बेटा, दोनों में झगड़ा होता था? नहीं पता, मुझे मेरी आई चाहिए, मैं उनसे कभी झगड़ा नहीं करूंगी। आप लोग प्लीज उन्हें वापस ला दो, प्लीज। हर्षा, ये हैंडीकैप लड़के के बारे में आसपास पूछताछ करते हैं, देखते हैं किसी ने इसे नम्रता के साथ देखा है क्या। यस सर। मैं गांव से अपना फ्यूचर बनाने आई थी मुंबई। अपने गांव की लड़कियों के लिए मैं एक मिसाल बनना चाहती थी, ताकि वो भी मेरी तरह सपने देख सके और उन्हें पूरा करने की हिम्मत कर सके। लेकिन मैंने मुंबई में हर वो काम किया जिसका बाबा को डरता। अरे मुंबई कोई अच्छी जगह है क्या? पता है ना तुम्हें वहां जाके लड़कियां क्या क्या करती है। लेकिन इसमें मेरी मर्जी नहीं थी सर। 3 दिन पहले मैंने देखा था, नम्रता वहिनी का एक बाबा के साथ झगड़ा हुआ था। ये बाबा कौन है? त्रिलोक बाबा। सर ये चौराहे पे घूमते रहता है, लोगों का चेहरा पढ़ता है और उनकी जिंदगी के बारे में बताता है, उनकी प्रॉब्लम्स बताता है। सर मैंने तानिया के स्कूल से एडमिशन फॉर्म मंगाया, तो उसकी डिटेल से पता चला कि फादर के कॉलम के आगे प्रकाश सोलंकी का नाम है, लेकिन एड्रेस नम्रता का है। लेकिन खान, जो औरत अपने पति के बारे में छुपाना चाहती हो, अपने पति का सही नाम क्यों लिखेगी? सर कहीं ऐसा तो नहीं है बिना शादी के इसे बच्ची हुई और ये पूरी बात दुनिया से छुपाना चाहती है? मुझे तो ये बाबा पे शक आ रहा है, ऐसा तो नहीं कि इसी ने मर्डर किया। वो क्राइम सीन वाले मोबाइल डाटा का क्या हुआ? हाँ सर, काम चालू है, करड़े को भेजा मैंने। सर ये लड़की मुझे ब्लैकमेल कर रही है, 2 करोड़ रुपए मांग रही है। अच्छे ग्रह गृहस्थी वाले लगते हो, हाँ? बीवी को धोखा देते हो, शर्म नहीं आई? सर गलती हो गई मुझसे। सर एक्चुअली उसने मुझे उसकी खूबसूरती के जाल में फंसा दिया था। सर उसने जब पहली बार ब्लैकमेल किया हमारे पास आते, उसको अरेस्ट कर लेते। सर मेरे दोस्त की वाइफ लॉयर है, मैंने उसे धमकी भी दिलवाई थी। कहाँ मंगवाया पैसा? सर आज शाम को कॉल करेगी मुझे एड्रेस देने के लिए। मोबाइल नंबर दो इनको, फ्रिज पे डालो मोबाइल। यस सर, चलो। मैं पुलिस इंस्पेक्टर अभिमन्यु चिंतन। इंस्पेक्टर जी, आपकी फ्रेंड रश्मि ने हमें सब कुछ बता दिया है और अभी डॉक्टर ने भी कंफर्म कर दिया है। रश्मि ने आपको? देखिए मैं आपकी उलझन समझ सकता हूँ। रेप विक्टिम की 90% फैमिलीज बिल्कुल ऐसा ही सोचती हैं जैसा आप सोच रहे हैं। मेरी बेटी बहुत छोटी है सर, मेरी बेटी 4 साल की, सिर्फ 4 साल की। उसके साथ कोई ऐसा? इसी बात को लेकर तो मैं भी परेशान हूं सचना जी, मेरी भी एक बेटी है, मैं भी एक बेटी का बाप हूं। देखिए
मैं इस केस को सिर्फ एक ऑफिसर की तरह नहीं देख रहा हूं। संजना जी प्लीज हमें बताइए, अनु के साथ किसने किया ये सब? संजना जी, ये क्या हुआ है हमारी अनु के साथ? आप अनु के फादर जी? आप कौन? मैं पुलिस इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल। सर आप दो मिनट मुझे अपनी वाइफ से बात करने दीजिए। इधर आओ। रश्मि को बता दी, पुलिस को बता दी, मुझे कुछ नहीं बताया। बताने की कोशिश की थी मैंने तुम्हें, लेकिन तुम सर सर मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ सर, सर आप प्लीज चले जाइए। मेरी बेटी बहुत छोटी है सर, ना तो उसमें इतनी हिम्मत है कि वो आपके सवालों के जवाब दे। संजना जी मैं समझ सकता हूँ कि आप पूरी तरह से टूट चुकी हैं, लेकिन प्लीज मेरी बात समझिए, वो क्रिमिनल इस वक्त आजाद घूम रहा है। ऐसे पेडोफिल पूरी सोसाइटी के लिए खतरा है, ये सिर्फ एक क्राइम करके नहीं रुकते हैं। देखिए अगर उसको नहीं रोका गया तो आज उसने आपकी अनु को नुकसान पहुंचाया है, कल वो किसी और अनु को नुकसान पहुंचाएगा। प्लीज समझिए मेरी बात को। पर मैं नहीं जानती सर किसने किया है मेरी बच्ची के साथ। देखिए संजना जी, ये कब हुआ, कैसे हुआ, कुछ तो अंदाजा होगा आपको। तो सर मेरी बच्ची स्कूल गई थी, बहुत अच्छी थी, बहुत खुश थी, पर जब वापस आई तो अरे क्या हुआ अनु? अनु ने कुछ तो बताया होगा आपको। अनु की तो जुबान से सिल गई सर। सर आप क्यों परेशान कर रहे हैं हमें? देख नहीं रहे हम आपसे बात करने की हालत में नहीं है हमें, प्लीज जाइए। मुझे नहीं लगता कि अनु आपको कुछ बता पाएगी, और मैं ये सजेस्ट भी नहीं करूंगी कि आप उससे बात करके उसे वो सब याद दिलवाएं। सर वो सिर्फ 4 साल की है, मेंटली और फिजिकली दोनों लिहाज से हेल्पलेस है, उसे इस ट्रॉमा से बाहर निकालना ही हमारी प्रायोरिटी है। और हमारी प्रायोरिटी है अनु के गुनहगार को जल्द से जल्द पकड़ना, वो भी विक्टिम के स्टेटमेंट के बिना। सर ये वो ड्राइंग है जो अनु ने उस दिन स्कूल से आने के बाद बनाई थी। बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। सर अनु की ये ड्राइंग किस बात का इंडिकेशन दे रही है? ये देखिए सर, ये तीसरा बंदर जो बुरा ना देखने की सीख देता है, पर ये तो देख रहा है। क्या इस ड्राइंग का क्रिमिनल के साथ कुछ लेना देना हो सकता है? गांधी जी के 3 बंदरों में से एक बंदर की सीख है कि बुरा मत देखो, लेकिन शायद ये बुरा देख रहा है। हो सकता है सर, सीख देने वाला ही अपनी सीख के विपरीत काम कर रहा है। लेकिन सीख देने वाला कौन, टीचर या फिर अनु के स्कूल से जुड़ा हुआ कोई? क्योंकि अनु के स्कूल के आने के बाद ही अनु की मां संजना को पता चला कि अनु का रेप हुआ है। और सर एक बात बहुत अजीब है, अनु रहती बोरीवली में है लेकिन उसका स्कूल दादर में है। बोरीवली से दादर लगभग 29 से 30 किलोमीटर दूर है, मुंबई जैसा शहर जहां पर हर 2 किलोमीटर में एक स्कूल है। अनु के पेरेंट्स के सामने ऐसी क्या वजह रही होगी कि वो अनु को अपने घर से इतनी दूर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं? रोज इसके स्कूल की वजह से ना ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाता हूँ मैं, जल्दी तैयार करो उसे। तो मैंने बोला था क्या अनु को इतनी दूर भेजो दादर पढ़ने के लिए? सर अनु दादर के सेंट एल्बर्ट इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती है जिसकी बस यहाँ सेंटा क्रूज से अवेलेबल है। सर अनु के फादर सुबह 8:30 बजे बोरीवली से अनु को यहाँ सेंटा क्रूज बस स्टॉप पे ड्रॉप करते हैं और वहाँ से वो BKC चले जाते हैं जहाँ उनका ऑफिस है। सर ये बस का फर्स्ट पिकअप पॉइंट है, यहाँ से अनु के अलावा और कोई बच्चा बोर्ड नहीं करता। इसका मतलब अनु की छुट्टी के बाद जब अनु की बस अनु को ड्रॉप करती है सेंटा क्रूज, तब भी अनु बस में अकेली होती है? हाँ सर, और सेंटा क्रूज से अनु के ग्रैंड पेरेंट्स उसे पिक करते हैं। सर अनु अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ 1 बजे से 3 बजे तक रहती है, उसके बाद उसका मामा उसे वहाँ से लेकर बोरीवली ड्रॉप कर देता है। अनु का मामा? यस सर, अनु का मामा अमरीश अनु की माँ का कजन ब्रदर है। सर वो बैंड्रा के कॉलेज में पढ़ता है और वही अनु को बोरीवली ड्रॉप करता है। अनु की माँ संजना के मुताबिक सुबह स्कूल जाने से पहले अनु बहुत खुश थी, तब उसने ये 2 बंदर बनाए थे, बुरा मत बोलो बुरा मत सुनो, और स्कूल से आने के बाद उसने ये तीसरा बंदर बनाया था बुरा मत देखो, और तब वो परेशान थी। सर वो सुबह 8 बजे अपने फादर के साथ स्कूल के लिए निकली थी और शाम को 5 बजे अपने मामा के साथ घर वापस आई थी। यानी कि 9 घंटे, इसका मतलब सर अनु के साथ जो कुछ भी हुआ है वो इन 9 घंटों में हुआ है। इन 9 घंटे में जो 1-1 मिनट अनु के साथ बीता है उसे हर 1 मिनट की मुझे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए। अनु के स्कूल से शुरुआत करते हैं, लेकिन जांच हमें बहुत संभल कर करनी होगी क्योंकि वो पीडोफाइल अलर्ट हो सकता है।
हमें सब कुछ बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करते हुए आगे बढ़ना है. इज दैट क्लियर? यस सर. सर अभी आपने जो कहा ना पीडीएफ फाइल, मुझे उसका मतलब समझ नहीं आया. ठरकी, ऐसे लोग जो स्पेशली बच्चों को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं, और ऐसे लोग लड़के लड़कियों में भी फर्क नहीं करते. इन्हीं की बदौलत हर घंटे में एक बच्चा मोलेस्टेशन का शिकार हो रहा है, और इससे पहले कि वो किसी दूसरे बच्चे को अपनी हवस का शिकार बनाए, हमें उस तक पहुंचना होगा. देखिए, अनु को ट्रीट करने के बाद हमें मालूम चला कि इसकी इंजरीज कितनी सीरियस है, और आपने 24 घंटे तक इसे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिलवाया. सॉरी मैम. मैम वैसे अनु डिस्चार्ज कब तक हो जाएगी? रिकवरी में टाइम लगेगा. एक्सक्यूज मी. ओके. देख लिया तुमने, मुझे ना बताने का नतीजा अनु की जान जोखिम में डाल दी है तुमने, और तुम मुझे ब्लेम करती रहती हो. तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा रोहन कि तुम्हारी क्या गलती है? मेरी गलती? गलती मेरी नहीं, गलती तुम्हारी है जो सबसे पहले उस रश्मि के पास गई थी. तुम देख लेना, इस पुलिस केस की वजह से ना हमें और अनु को बदनामी के सवार कुछ नहीं मिलने वाला. अरे ये समाज है ही ऐसा. तुम्हें समाज की पड़ी है. तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है, रश्मि पर गुस्सा आ रहा है, लेकिन उस इंसान पर गुस्सा नहीं आ रहा जिसे मेरे अनु के साथ. प्लीज मुझे और मेरी बेटी को अकेला छोड़ दो. ये अनु के पापा की गाड़ी और ये अनु के स्कूल बस, दोनों में आज रेस होने वाली है. एक्सीडेंट. अरे बाप रे, ये अनु के पापा की गाड़ी और स्कूल बस में कब रेस हुई? आज ही तो फिर जीता कौन? पापा. पापा ऑलवेज विन. तेरे पापा के आगे हमेशा मैं हार जाती हूँ. तू ही तो है जिसने हमें जोड़ कर रखा मेरे बच्चों. चलो रेसिंग करते, चलो. आपके स्कूल में कितने टीचर और कर्मचारी हैं जो मेल हैं? आप सिर्फ इतना पूछना चाहते थे मुझसे? देखिए मनीष जी, आपकी स्कूल की एक बच्चे के साथ रेप हुआ है. रेप? क्या बात कर रहे हैं सर, ऐसा यहाँ हो ही नहीं सकता. हुआ है तभी आए हम यहाँ पर, आपके साथ कोई गुफ्तगू करने नहीं आए हैं. अब आप ये बताइए कि आपके स्कूल में कितने पुरुष अध्यापक हैं, पुरुष कर्मचारी हैं आपको मिलाकर? सर मेरे अलावा यहाँ पर 9 और मेल टीचर्स हैं, और ड्राइवर्स और पियंस को मिलाकर 7 और लोग हैं. इन सबकी प्रोफाइल, फोन नंबर, एड्रेस सब कुछ चाहिए हमें. जी मैं प्रोवाइड करा दूंगा. बट सर आपने ये नहीं बताया कि रेप किस बच्चे के साथ हुआ है. अनु श्रीवास्तव 4 साल की बच्ची है, KG 2 में पढ़ती है, उसका रेप हुआ है. सर ऐसा हो ही नहीं सकता है. यहाँ पर नर्सरी से लेकर 5th ग्रेड के सारे स्टूडेंट्स को फीमेल टीचर्स ही पढ़ाती हैं. अनु की क्लास टीचर को बुलाइए. सर मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि अनु के साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है. अनु की मदर ने हमें बताया कि उस दिन अनु ने ये ड्राइंग बनाई थी. उसने स्कूल आने से पहले सुबह ये 2 मंकी ड्राइंग किए थे, और स्कूल से घर जाने के बाद उसने ये मंकी ड्राइंग किया. आप क्लास टीचर हैं उसकी, अनु को अच्छी तरह से समझती होंगी. आप कुछ बता सकती हैं ये ड्राइंग क्या इंडिकेट करती है? सर नो आइडिया. सर इवन फ्राइडे को मैंने ही अनु को बस अटेंडेंट को हैंडओवर किया था, और वो खुश भी थी. अनु की बस अटेंडेंट शीला, वो भी फीमेल है. और बस ड्राइवर विजय, वो मेल है. ये जो बस अटेंडेंट शीला है और वो ड्राइवर विजय, इन दोनों को बुलाइए, मिलना है मैं उनसे. सर वो तो छुट्टी के बाद बच्चों को ड्रॉप करने चले गए. ए, अरे रुको, अरे भाई कहाँ जा रहे थे आप लोग? अनु? अंकल अनु तो आज नहीं आई स्कूल. क्या
चल विजय। हाँ जतिन। हेलो शीला, कहाँ है तू? बस में हूँ, बोल क्या बात है? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.